सामान्य लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनाव ड्यूटी में लगाए गए पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए ब्रीफिंग कार्यक्रम का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड पर किया गया। इस मौके पर आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजेंद्र पांडेन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, पुलिस प्रेक्षक राजीव रंजन, एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित अन्य पुलिस के अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग करते हुए आईजी, डीएम, एसएसपी व एएसपी ने सातवें व अंतिम चरण के मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की नसीहत दी और कहा कि मतदान में किसी भी तरह की गलतियां ना करें। मतदेय केंद्रों पर मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी वाहन 200 मीटर की परिधि में आ सकते हैं। पोलिंग एजेंटों से और मतदाताओं तथा मीडिया से कोई अभद्रता ना करें। ये भी ध्यान रखें कि असामाजिक तत्व कोई भी गड़बड़ी ना कर सकें। अगर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह ने कहा, जितने सेंटर्स यहाँ पे हैं, इसके उपरांत 5 और 5 के ऊपर वाले जितने भी सेंटर जिसमें बूथ 5 बूथों के सेंटर्स है, इनमें पार्किंग व्यवस्था की भी ड्यूटी यहाँ पे हमने लगाई गई है। सीटों को मिला के हैं जो सेक्टर्स में हमने बांटे हैं, 251 सेक्टर्स हैं और 28 जोन हैं और 8 सुपर जोन हैं। सभीयों की ड्यूटी मानक अनुसार इलेक्शन कमीशन ने जितने भी दिए थे उसके अनुसार लगी हुई है। इस बात पर विशेष ध्यान देना हम लोग देना चाह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना गोरखपुर सीट पे नहीं हुई है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई है। तो जितने भी इलेक्शंस यहाँ पे हुए हैं सारे सकुशल संपन्न हुए हैं। तो सभी जितने भी हमारी फोर्स बाहर से आई है और गोरखपुर की भी जितनी भी फोर्स है, सभीयों को अनुरोध है कि आपकी ड्यूटी जो है आप प्रॉपर तरीके से करें। जैसे कि सर ने कहा है कि कुछ एरियाज में हमें देखने को मिला है कि फोर्स में कुछ जो जवान है हमारे जल्दी चले जाते हैं, तो ऐसा कृपया ना करें। जब तक पोलिंग खत्म नहीं होता है, जब तक ईवीएम पार्टी जो ईवीएम लेके पार्टी निकल नहीं जाती है, आप उसी जगह पे बने रहेंगे। घड़ी देखकर 4:30, 5 या 5:30 में नहीं भाग जाए, जब तक पीठासीन अधिकारी यह नहीं बता दे कि अब चुनाव समाप्त हो गया है और सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और जो भी बैलेट यूनिट और उससे जुड़े हुए जितने भी सामग्री है वो स्ट्रॉन्ग रूम की तरफ जा रहे हैं जमा करने के लिए, तब तक आपका मतदान केंद्र पर की ड्यूटी समाप्त नहीं होती है। हमेशा उनके साथ तालमेल करके आप कार्य करें और सामाजिक तत्वों के खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई करें। आयोग के तरफ से आपको पूरा अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा जो बाहर के जनपद के अधिकारीगण और पुलिस के अफसर लोग और हमारे जवान भाई आए हुए हैं, उन लोगों ने मुझे पता चला है काफ़ी 6 चरण में बहुत अच्छा ड्यूटी किया है और अच्छे ड्यूटी के बाद ये 7वें चरण में गोरखपुर जनपद में आए हुए हैं। तो आपका पहले से काफ़ी अनुभव है। एक हिंदी में कहावत है, अंत भला तो सब भला। तो इस बार पूरे मन लगा कर ये अंतिम चरण में आप सभी लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। धन्यवाद। मोबाइल फोन अपने चार्ज रखें और वहाँ इस्तेमाल मत करें। ये देखा गया है कि मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन पूरी तरह से निषिद्ध है, प्रतिबंधित है और फोर्स के भी कोई लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि आपको पीठासीन अधिकारी ना बोले या कोई इमरजेंसी ना हो। ईवीएम और मतदान सामग्री की सुरक्षा आपका दायित्व है, ना कि उसको उठाना, उसके साथ पकड़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी गलत तरीके से मान ली जाती हैं कई बार। किसी भी उम्मीदवार पार्टी के द्वारा दिया गया भोजन पैकेट वगैरह मत लें। लोग होते हैं वहाँ पर जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जहाँ हम आपके लिए पानी लाए हैं, हम आपके लिए खाना लाए हैं, क्योंकि इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। आपको जैसा पता है मई का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है, अपने साथ हमेशा पानी रखें। हर बूथ पर पानी का इंतजाम किया गया है, पंखे का इंतजाम किया गया है। अभी यहाँ पर डीएम साहब आने वाले हैं, डीएम साहब भी आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किया है। पानी खूब पिए, गर्मियों का समय है और इलेक्ट्रॉल वगैरह का भी व्यवस्था हर
बूथ पर की गई है, हर सेंटर पर आपको दिए गए हैं। यहाँ पर मैं स्पेशली ये बताना चाहूँगा कि जो पोलिंग एजेंट्स को लेकर के कई बार इशू होता है, पोलिंग एजेंट्स को पीठासीन अधिकारी तक जाने की इजाजत रहती है। राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार है उसको भी मतदान बूथ देखने की इजाजत है, वो उस पॉइंट तक नहीं जा सकता जहां पर वो वोटिंग डाल रहे हैं। तो ये चीजें आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। जो भी अंदर जा रहा है उसकी चेकिंग फ्रिस्किंग ठीक से होनी चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि अपना मत देते समय अगले ने वीडियो बनाया, मोबाइल फोन लेकर के गया और उसको व्हाट्सएप पर डाला कि हम फलाने को मत दे रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर अपराध है, इसके लिए बहुत इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं कि कैसे मोबाइल फोन अंदर चला गया। तो काइंडली ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सुरक्षा कर्मियों के लिए, खुद भी मोबाइल मत इस्तेमाल करें और मोबाइल को फोन को मत जाने दें। वहाँ पर मीडिया कर्मी भी आएंगे, उनसे हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। उनसे कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि वो कुछ फिल्म बना रहे हैं, आप टोक रहे हैं। आप उनकी उनकी लिमिट तक के उनको जाने दें। लिमिट उनकी वही है, बूथ के बाहर, वो कमरे के बाहर से देख सकते हैं। बूथ के सहन में, वरांडे में या मैदान में वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। पोलिंग एजेंट और मीडिया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की एक बहुत बड़ी कड़ी है, इनको हम आपत्तिजनक नहीं मानते हैं। पोलिंग एजेंट्स को कभी भी इजाजत है, वो दोपहर में 2 बजे आ सकता है और अपना एजेंट का अधिकार पत्र दिखा सकता है उस बूथ के लिए। पोलिंग एजेंट का ही काम है कि वो नजर रखता है कि जो लोग आ रहे हैं बोगस वोटिंग ना डालें और जो मतदान कर्मी है वो किसी पार्टी के पक्ष में मतदान ना करा रहे हों। इसलिए पोलिंग एजेंट इलेक्शन प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, उससे कोई उलझने की जरूरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी ने अगर उसको पहचान कर दी है कि आप पोलिंग एजेंट हैं, उसको कार्ड बना दिया है, सफिशियंट कि वो गेट पर रह सकता है। बल्कि नियमता पोलिंग एजेंट जहाँ पर डेस्क 1, डेस्क 2, डेस्क 3 लगते हैं उस कमरे के अंदर भी रह सकता है, लेकिन चूंकि कमरे छोटे होते हैं इसलिए पोलिंग एजेंट अधिकतर दरवाजे पे खड़े होके वो चेक करते हैं कि कौन बंदा सही है। और पोलिंग एजेंट का उसी बूथ का निवासी होना जरूरी होता है। ये कुछ प्रोसेस है जिसको आपको पता होना चाहिए। नहीं तो सेल्फी खींच रहा, फेसबुक में डाल रहा, कह रहा तो मैं फलाना पार्टी का मत दिया हूँ, आप लोग भी दो, तो फिर ये सारे हम लोगों पर उंगली उठता है यार, ये इन लोग करते क्या, फोर्स क्या करती है, जो पॉलिटिकल पार्टी मतलब वो पोलिंग पर्सन लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं रोका है, और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होता है तमाम चीजें। इसलिए बता रहा हूँ, तो बार बार छोटी सी बात है, कितने बार कहने के बाद भी चुप हो जाता है। मोबाइल फोन किसी के पास अलाउड नहीं है, यदि आपके पास है तो उसको साइलेंट मोड में रखिएगा, इमरजेंसी के समय में बात करिएगा। आपको जो नीचे वाले जो इतने सिपाही जाते हैं जो भी है उन लोगों को ब्रीफ कर दीजिए, बेवजह बस हम लोग इतने जगह घूम के देखा, हर जगह मोबाइल फोन में बस लगा रहता है आदमी, अगर उस पर गलत संदेश जाता है ना, तो हम तो नियम तो सबको लिए दे रहे हैं, ऐसे नहीं केवल जो पब्लिक के लिए नियम है, हम लोग के लिए अलग नियम है। हम इस पर तो देखिए, आपका इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए मोबाइल हम लोग अलाउ करते हैं, फोर्स के पास भी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी के पास, इसका मतलब नहीं है तो सब वायलेट करेंगे। आप इस पर ध्यान दीजिए, तो मोबाइल फोन किसी वोटर के पास नहीं होना चाहिए था किसी भी सूरत पे, खासतौर पर एजेंट के पास नहीं होना चाहिए था। एजेंट क्या करते हैं, वो सूचना देते रहते हैं बाहर, जो एजेंट के बारे में तो दूसरे पॉइंट में आता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, यदि आपके पास मोबाइल फोन है तो कृपया करके साइलेंट मोड में रखिएगा, बेवजह यूज नहीं करना है आप लोगों का। ये आपका जो नीचे वाले फोर्स को भी ब्रीफ कर दीजिए, और जरूरत पड़ेगा तो फिर कितने लोग लाइन में लगे उन लोग एक बार फिस्किंग करा दीजिए, गलती नहीं तो फिर बाद में हो जाएगा, तो बेवजह तो फिर कौन लगे सर, कोई लेट कर दी, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी किसी कमरा में रख रहा है, किसी रिश्तेदार घर पे रुक रहा है मशीन के साथ, ये बड़ा अपराध के रूप से माना जाता है, उसके फिर कार्रवाई के अलावा कोई बचता नहीं। इसलिए तो ये भी मशीन का जो सुरक्षा है आपको भी जिम्मेदारी है, हम सबका जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान दीजिए। तीसरा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो पिछले बूथ के एजेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो इनका रोल होता है, खासतौर पर वो लोकल का वोटर होते हैं, उन लोगों का मेन रोल है जो वहाँ का फर्जी मतदाता और कोई मतदाता आता है तो उसको पहचानना है, उसके बाद अपने कैंडिडेट का अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करना है। इसलिए जो ताकि हर कैंडिडेट हर बूथ में दौड़ नहीं पाएगा, यहाँ मान लीजिए 3,434 बूथ है हमारा, बासगांव और गोरखपुर मिला के, दो ही जो कैंडिडेट है जो एक एक है उस पर तो हर जगह दौड़ नहीं पाता, इसलिए तो वो एजेंट नियुक्ति करता है। एजेंट खासतौर पर लोकल व्यक्ति होते हैं,
वो बेसिकली पहचानते हैं तो प्रोसेस सही चल रहा है कि नहीं। उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है ताकि माकपोल के पहले उनका आना होता है। हमारा चुनाव तो सवेरे 7 बजे चालू हो जाता है, माकपोल उसके पहले होता है 6:30 बजे, नहीं तो 6 बजे। हम प्रयास करते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि माकपोल समय में ही हम लोग को जानकारी मिल जाता है कोई मशीन में कोई गड़बड़ है तो तुरंत हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए तो 7 बजे के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम यथासंभव प्रयास करते हैं सवेरे जल्दी से जल्दी माकपोल हो जाए। और माकपोल का भी मानक है कम से कम 50 वोट डालना होती है। जो कैंडिडेट जो एजेंट कितने हैं उन लोग एक एक आकर के दबा करके देखते हैं ताकि जनरल अफवाह है। आप भी तो पेपर में पढ़ते होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी ये मुद्दा को बार बार उठाती है, किसी को दबा दिया तो फिर किसी को वोट चला गया है, इसी टाइप का अफवाह है। उसको तोड़ने के लिए कमीशन ने इस बार कहा है 50-50, कम से कम 50-50 मत डालेंगे। उसके बाद जो VVPAT का स्लिप होता है छोटी सी पर्ची, आप दबाने के बाद 7 मिनट दिखता है, उसके बाद डब्बा के अंदर गिर जाता है, उसको गिन करके तो अलग सील करके रखते हैं। वो हम लोग जब फिर हर विधानसभा में काउंटिंग के दिन में उसको 5 डब्बा जो 5 जगह का मशीन को अलग उसको गिनते हैं। इसमें क्या है जो माकपोल है बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है उसमें। माकपोल जो एजेंट के मौजूदगी में होना है, एजेंट के सिग्नेचर भी रहता है, सुबह से सवेरे शाम तक तो एजेंट रहता है, एजेंट का रिप्लेसर भी नियुक्ति कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवेरे कोई आदमी तो 6 बजे आ गया है, पॉलिटिकल पार्टी दो एजेंट भी रख सकता है, बट एक समय में एक ही एजेंट रहेगा अंदर, एक पार्टी का एक एजेंट एक ही रहेगा अंदर। उनके पास मोबाइल फोन कतई अलाउड नहीं है और लिस्ट भी अलाउड नहीं है। जो वोटर स्लिप रख करके जो टिक करता है जो हाँ मेरा मजला का मेरा वोटर पड़ गया, ये भी मना है। सादा कागज एक रख सकता है, कलम रख सकता है, उसके अलावा कोई चीज एजेंट के पास अलाउड नहीं है। एजेंट का आप नजर रखेंगे तो आप मान के जाएं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एजेंट का नजर नहीं रखेंगे, इधर उधर खिसकेंगे तो फिर वही तो सूचित करते हैं फलाना जगह से वोट नहीं आया है, फलाना जगह से वोट हो रहा हो, सारे चीज यही तो कम्युनिकेट करता है, यही बड़ा मुद्दा बनता है। एजेंट के ऊपर नजर रखिएगा, एजेंट के पास कतई मोबाइल फोन और कोई चीज नहीं होना चाहिए था। और एक अंतिम चीज है जो लास्ट पॉइंट में कंक्लूड करना चाहता हूँ, उस पर खास तौर पर देखिए जो हम लोग मौसम भी जो बहुत गर्मी है, 43 डिग्री चल रहा, 41-43 चल रहा, अब 19 तारीख को भी तो यानी परसों भी तो गर्मी रहेगा। आप खास तौर पे जो आप हाइड्रेट रहें यानी जो पानी ज़्यादा पिए, उसके सारे जगह इंतजाम हम लोग कर रखा है। वहाँ रसोईया है, आपको तो जाने के पहले ही वहाँ मौजूद रहेगी, आपको भोजन बना के खिलाएगी, और पानी का भी हर जगह व्यवस्था की हम लोग, ऐसी टाइप के छाया का भी हर जगह व्यवस्था किया। इनकेस कोई इमरजेंसी हो जाता तो फिर एक ही नंबर है 108 जो एम्बुलेंस का हम लोग अलर्ट कर रखा है। बस किसी को भी तो मान लीजिए कोई बेहोश हो गया है, डिहाइड्रेट हो गया, जो भी चीज़ है 108 लगाएंगे, आपका 10 से 15 मिनट के अंदर गाड़ी पहुंच जाता है। इस बार हम लोगों का जो एयर एम्बुलेंस भी मिला है, कोई ज़्यादा सीरियस है कोई दिक्कत है तो फिर कप्तान साहब से हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम लोग तुरंत एयर एम्बुलेंस जरिए से भी आपको सहयोग करेंगे। और बस केवल पर्सनल का नहीं है, वोटर को भी परेशानी हो सकती है। पिछले चुनाव में एक घटना हो गई, एक आदमी जो वोट देने के बाद फिर गया है, वो गुजर गया है, अब तो फिर उनका वजह नहीं पता है। बट मौसम खराब है इसलिए तो छाया का व्यवस्था तो हर जगह कर रखा है। आप लोग सतर्क रहिएगा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू में भी, और आपका जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट जो ब्रह्मंड में आते हैं उनका नंबर आप नोट करके रख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ आपका उस पर अप्रोच में सेक्टर मैजिस्ट्रेट रहेंगे, हम लोग भी ब्रह्मंड में रहेंगे। और मशीन का हम लोग ऐसे प्लान कर रखा है हर सेक्टर मैजिस्ट्रेट के पास 2-2 सेट रहेगा, पूरा सेट रहेगा। जो भी कहीं भी सूचना मिलता है तो फिर वो मशीन खराब हो गया, वो हो गया, वो तुरंत रिप्लेस हो जाता है। पिछले चुनाव में 2-3 इंसिडेंट जो हम लोग जो खजनी अभी तो 6th फेज में किए हैं, उसमें जो शिकायत का रूप जो किस रूप में शिकायत आया वो भी बता रहा हूँ। खासतौर पर वोटर यही कहता है साहब मेरा नाम काट दी गई, उसी दिन आकर के कुछ लोग हल्ला मचाते हैं बाहर से, उनको बता दीजिए 2 महीने पहले हम लोग हर बूथ में सूची बाहर चस्पा कर दिए, सबको पढ़ के सुना लिए, 2 महीने सबको वक्त दिए, उसके बाद भी उनका नाम नहीं पढ़वाया है तो गलती उनका है। उनको बता दीजिए भाई नाम नहीं है तो आपको वोट नहीं पड़ेगा, कृपया करके चले जाए। पिछले बार दो तीन जगह घटना हो गई, एक तो फौजी आया है तो फिर वो वहाँ का पर्सनल से हड़पने लगे, कहने लगे तो फिर फौजी ने फोर्स ने बताया आप साहब आपका नाम नहीं चले जाओ, वो उसके ऊपर पर्सनली ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा झगड़ा टाइप का हो गया। उनके जो कितने लोग हैं बता दीजिए, लिस्ट पे नाम नहीं तो वोट नहीं पड़ेगा, वहाँ बाहर भी चस्पा है। और वोटर स्लिप केवल अकेले वोटर स्लिप एक के कोई आदमी आता तो उससे वोट नहीं दे सकते हैं, उसके अलावा कम से कम जो 12 तरह का विकल्प है उस पर एक विकल्प लाना होता है, भले आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और बैंक का पासबुक है, जो भी लेके आए।
उसी के साथ अलाउ कर सकते हैं, केवल वोटरशिप लेकर के वो आदमी का अलाउ नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हम बूथ में कौन कौन ऑफिसर कौन कौन कर्मचारी रहेंगे उसको भी मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, सबको आईडी कार्ड हम लोग दे रखा है, बिना आईडी कार्ड का कोई नहीं आएगा। खास तौर पे वहाँ जो इम्पोर्टेंट लोग, जो पोलिंग पार्टी चार होते हैं, एक पीठासीन अधिकारी, दो मतदान अधिकारी, फोर्थ क्लास होते हैं, चार लोग हैं। उसके अलावा जो फोर्स आप लोग रहते हैं, उसके अलावा हमारा बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, वो वहाँ का जो बीएलओ होते हैं वो बाहर रहती है, नहीं तो रहता है, जो भी है उनके पास पूरा लिस्ट होता है। उनका महत्वपूर्ण काम यही है, मान लीजिए वोटर स्लिप नहीं है, कोई पहचान पत्र लेके आ रहा है, उनका क्रम ढूंढ के बता देगी कौन सी क्रम में उनका वोट है, वो सीरियल नंबर लिख के देगी, उसके बाद वो आकर के वोट दे सकते हैं। इसलिए बीएलओ भी बहुत आवश्यक है, वो रहेंगे। उसके अलावा रसोईया रहती है, वहाँ आपको भोजन बनाने के लिए तीन चार संख्या में हम लोग रखे हैं। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की भी हम लोग ड्यूटी लगवाया, हर जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी रहेगी। वो खासतौर पर जो प्रधानाशीन महिला जो आती है, खासतौर मुसलमान महिला जो आती है, उनका पहचानने के लिए तो सहयोगी के रूप से वो रहती है। और कहीं छोटे बच्चे लेके, कोई गोद में लेके हुए कोई वोटर आया है तो वो बच्चे का भी वो थोड़ी समय रख सकती है, उसलिए तो रसिया भी रहती है। उसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर हर जगह, मतलब हम लोग 350 जगह माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था की है, माइक्रो ऑब्जर्वर भी आईडी कार्ड है, उन लोग भी रहते हैं। उसके अलावा वेबकास्टिंग होता है यहाँ, तो करीबन 340 जगह हम लोग वेबकास्टिंग कर रहे हैं। वेबकास्टिंग का एक कंप्यूटर ऑपरेटर रहता है, यानी लाइव टेलीकास्ट चलता है, उसके लिए वो रहता है। उसके अलावा कुछ जगह कहाँ कहाँ वेबकास्टिंग नहीं है, वहाँ कैमरामैन नहीं तो वीडियोग्राफर लगा रखा है हम लोग, करीब 700 जगह है, वो भी रहता है, उनके पास भी आईडी कार्ड रहता है, जो आईडी कार्ड के साथ ही रहता है। बाकी जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट, जोनल मैजिस्ट्रेट कितने आते हैं वो है। इस बार हम लोग ग्राम पंचायत के जरिए से पानी का और टेंटेज का व्यवस्था कर रखा है, व्यवस्था करने तक प्रधान और बाकी लोगों का सहयोग लेना है। चुनाव का दिन प्रधान और अन्य व्यक्ति आसपास नहीं रहना है, हम लोग तो सबको ब्रीफ कर चुके हैं ताकि, तो ठीक है वो एक बार व्यवस्था कर दिया, अच्छी बात है, ठीक है, जनहित में कर रहा है, उसके बाद हट जाना चाहिए था, ताकि प्रधान किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहता है। इसलिए हम लोगों का जो प्रधान से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है, भले तो वो बूथ का व्यवस्था करता है ताकि वो सहयोग के रूप से हम लोग ले रहे हैं, बट उसका मतलब नहीं है तो प्रधान बार बार आकर के चक्कर काटता है, बार बार पूछता है, करता है, उसको मना कर दीजिए। कोई स्ट्रेंजर, ये जो हमने बताया लिस्ट बताया, इसी के अलावा कोई फालतू व्यक्ति, कोई व्यक्ति नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन में भी और सीईओ ऑफिस लखनऊ से भी जारी कर रखा, हम लोग जनपद में भी जारी कर रखा है, जो उन लोगों का बूथ तक, हर बूथ तक आने के लिए अलाउड है, बूथ का अंदर घुसने के लिए वो मना है, बाहर तक आकर के जनरल व्यवस्था देख सकते हैं, उसके बाद वापस चले जाता है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट है, स्वयं कैंडिडेट नहीं तो कैंडिडेट के एजेंट कोई होते हैं, तो वो भी बूथ तक आ सकता है, बट कभी भी बूथ का अंदर घुस नहीं सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पीठासीन अधिकारी कहाँ बैठते हैं वहां तक आ सकते हैं, उसी के अंदर तो घुस नहीं सकते हैं। खास तौर पे जो सीक्रेट बैलेट है, कहाँ जो वोटिंग होता है, जो यूनिट कहाँ होता है, पोस्टिंग होता है, उधर जग के देखना किसी को भी मना है, मतलब सबको मना है, पीठासीन अधिकारी को भी मना है, मतदान अधिकारी को भी मना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को, मुझे भी मना है, हम भी नहीं जा सकते जो वोट कैस्टिंग होते हुए समय, यानी जो पोलिंग कहाँ हो रहा है, वोट एक कंट्रोल यूनिट में दबाने के बाद मशीन तैयार हो जाता है बैलेट यूनिट का, उसके बाद आदमी जाकर के अपने मत का प्रयोग करेगा, फिर उसका अंदर वीवीपैट रहता है, उसको देखता है, उसी जो कैबिनेट का अंदर वो जो तखत लगा करके हम लोग तो थोड़ा पार्टीशन करके रखते हैं, उसके अंदर किसी को भी अलाउ नहीं करना है, इंक्लूडिंग आपको फोर्स को भी ब्रीफ करा दीजिए। कहीं कहीं त्रुटि की वजह क्या होता है, तो क्यूरियोसिटी में कोई जगह देख लिया, उसको कोई फोटो वोटो खींच लिया, उसको तो अगले सोशल मीडिया तमाम चीज में आने लगा, वो बिल्कुल वो है, मना है। बाकी चीज तो आप अनुभवी लोग हैं, पहले ही व्यक्ति से भी आप तुरंत आप संपर्क कर सकते हैं, हम लोग संयुक्त रूप से तुरंत पहुंचे। हाँ सर, आप बता दिए सर, रसोईया रहती है। ये आईजी साहब इस बार तो बहुत बढ़ गया है, हमेशा क्या होता है चुनाव के समय में सारे गाड़ी के हम लोग रोक देते हैं, ये कर्फ्यू जैसे है, खासतौर पर देखिए इसी मौसम में किसी व्यक्ति के, देखिए हम लोग कमीशन के मानक के हिसाब से 2 किलोमीटर का एक बूथ होता है, बट किसी को 2 किलोमीटर पैदल जाना इम्पॉसिबल है इसी मौसम में, परिवार सहित नहीं तो अकेले भी जाना, इसलिए तो आईजी साहब ने तो लिबरली हम लोग गाड़ी अलॉट की है। हम लोग यहाँ शहर में भी हर जगह पार्किंग का व्यवस्था कर रखा है, 200 मीटर के बाहर तक आराम से गाड़ी से वो आ सकता है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो भी गाड़ी है उसी से आकर के वो बाहर रोक दे, जाकर के वोट दे दे, फिर वापस चले जाए। हमारे इन जनपदों में विशेष रूप से हमारा प्रयास है कि आम आदमी की जो जिंदगी, संडे का दिन है, बाजार सामान्य रूप से खुला रहे, दुकानें अगर कोई खोलना चाहता है तो पुलिस की तरफ से कोई भी किसी भी रूप में जाते हैं इस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, दुकानें खुलेंगी, वाहन
सुचारू रूप से चलते रहेंगे। पुलिस की तरफ कोई इस रूप में स्थानीय थाना अध्यक्ष सीओ द्वारा प्रयास नहीं किया जाएगा कि अनावश्यक लोगों को वाहनों से चलने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। जो माननीय चुनाव आयोग का निर्देश है, जो 200 मीटर की परिधि है, वो हम सब जानते हैं। वहाँ हमारे फोर्स रहेगी, सीपीओ रहेगी, वो रिस्ट्रिक्शन है वो रहेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त वो रोड, वो सड़कें जिसपे आवागमन सुचारू रूप से चलेगा, बाजार जो है, दुकानें हैं, इंटीरियर भी दुकानें, इसका प्रचार प्रसार भी आप करेंगे। खजनी का जब चुनाव हुआ तो हम लोग भी, हम और हमारे आयुक्त जब वहां पर जाकर के लोगों से पूछे तो इसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था। कई लोगों ने ये बात हम लोगों से बताई कि हम लोग गोरखपुर से पहली बार, हमें उन्होंने कहा कि गोरखपुर से उन्होंने बिना रोक टोक के जो है खजनी तक पहुंच गए थे। उन्होंने एक बात और भी बताई कि पहले अधिकतर जो जो लोग गोरखपुर में थे, जिनका वोट खजनी में था, लोगों ने ये बताया था कि काफी लोग सुबह आ गए थे 7 बजे से कि भाई पुलिस जो है रोकेगी, पुलिस हमें वहां तक पहुंचने नहीं देगी। तो ये माइंडसेट अगर किसी भी पुलिसकर्मी के दिमाग में है तो बताइए, समय बदल गया है। किसी भी रूप में ना ही इस तरह का कोई निर्देश है और ना ही जो है कोई इस तरह का प्रयास करेगा। विशेष रूप से जो थाना अध्यक्ष है, सीओ साहबान है, इस क्षेत्र को अपने तरफ से स्थानीय लोगों को भी संदर्भ में, व्यापारियों को भी, सबको बताएं कि जहां पर बंदी रहती है संडे के दिन, उसके संदर्भ हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जहां बाजार सामान्य रूप से खुलते रहे हैं, और हमने इस चीज को देखा, उस दिन भी संडे था लेकिन उसके बावजूद भी हमारा खजनी, हमारा सिकरीगढ़, हमारा बेलघाट, ये सभी जगह के बाजार सामान्य रूप से खुले हुए थे और वाहनों का संचालन भी सुचारू रूप से चल रहा था। इसके सिर्फ मोबाइल लेके नहीं जा सकते, ये भी वोटिंग परसेंट को इफेक्ट करता है। लोग लेकर के मोबाइल जाते हैं, बूथ तक पहुंचते हैं, जब पता चलता है कि अंदर ले नहीं जा सकते हैं, तो लोग अपना मोबाइल जो है दूसरे को नहीं देते हैं। जब ये बातें हम लोग अभी किस कई बूथों को हुआ तो लोगों ने इसको बड़ा व्यंग्यात्मक रूप में, कई लोग लौट गए, चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। गर्मी का समय है, ये भी प्रचार प्रसार किया जाए कि चुनाव जब वोट डालने जा रहे हैं जाते हैं तो उस समय अपना मोबाइल अपने घर पर रख के आए, अपना मोबाइल घर पर रख के आए, या परिवार के कई सदस्य एक साथ आ रहे हैं तो जैसे एक व्यक्ति जो है अपने पास रख सकता है, लेकिन मोबाइल ले जा करके जाते हैं वहां, जब जानकारी उनको होती है तो अगर 5% 10% लोग भी अगर बूथ से लौट जाते हैं 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो वापस नहीं आने की भी जो है शिकायतें आई हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, सरकार की काफी प्रायोरिटी है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़े। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब तक हम ध्यान नहीं देंगे जाते हैं तब तक जाते हैं इसमें जो है सुधार नहीं होगा। तो इसीलिए लोगों को ये भी कहिए कि मोबाइल छोटी बातें हैं लेकिन थाना स्तर पर जाकर के जाते बताएंगे भाई, लोगों से ये बताएंगे जाते मोबाइल अपना घर पर रखें, या परिवार के सदस्य के साथ आते हैं तो बूथ के अंदर अलाउड नहीं है, तो ये चीजें इसके लिए तैयारी करके आए थे। बता दिया कि हमने आपको बता दिया कि वोटिंग परसेंटेज कैसे सुधारना है, ट्रैफिक का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, बाजारों को जो है किसी तरह डिस्टर्ब नहीं करना है, और इसी तरह जाते आपके वेलफेयर को देखते हुए जाते हम लोगों ने जो है व्यापक व्यवस्था किया। अब थोड़ा सा लाइन ऑर्डर रिलेटेड इशू, वोट डालने के लिए हुजूम का तात्पर्य मेरा यह है कि अनावश्यक अगर कहीं आपकी फोर्स जो है 15 है, कहीं वोट डालने के बाद 500 लोग इकट्ठा हो गए तो उन्हीं में से कोई कहा सुनी होगी जाते हैं तो वही जो है पथराव करने लगते हैं, वही लोग जाते हैं लाइन ऑर्डर अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। तो पहले ही समय से जो लोग वोट डाल लें, जो लोग वोट डालने जाते हैं वो लोग अपने अपने घरों में वापस जाएं, बूथ के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं, कहीं बाजार के चौराहे पे जो कि बूथ से दूर हो, 500 मीटर दूर हो, दूरी हो, वहां पर भीड़ लगाएं, बातचीत करें, अपना कहा सुनी करें, अपना जाते हैं जो भी आपस में वार्तालाप करना, लेकिन बूथ के आसपास वोट डालने के बाद वहां एकत्रित न हो। तो दिक्कत हो इसी को जो है कि नहीं, हमारे पास पर्याप्त रिजर्व फोर्स भी रहता है। अभी सिद्धार्थनगर में जाते हैं एक कर्मचारी का चुनाव के समय हार्ट अटैक, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसको एक तरह से विधानसभा में हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, इस बार
पूरे हमारे जाते हैं जो 8 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर चुनाव हो रहा है 19 तारीख को, हमारी तरफ से पूरा ये प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से किसी भी वोटर्स को हम किसी रूप में देते हैं उसको व्यवधान हमारी तरफ से नहीं होगा। हर लोग निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर के अपने बूथों पे आए और हमारा फर्ज है कि हम उसे ज्यादा से ज्यादा जाते हैं जो है फैसिलिटेट करें, किसी भी रूप में जाते हैं ये उसको अनावश्यक राजनीतिक रूप से या किसी रूप में हम उसको प्रभावित न करें, उसके निष्पक्षता को प्रभावित न करें और वो निर्भीक होकर के निष्पक्ष होकर के वो अपना मतदान का प्रयोग कर सके। आज पुलिस बल की जो है आज ब्रीफिंग यहाँ पर की गई जिसमें विभिन्न CPO के अधिकारी और उनके कर्मचारीगण, इसके अलावा जाते हैं जो चुनाव में लगाए जाने वाला पुलिस बल, सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अधिकारी सभी लोग उपस्थित थे। विशेष रूप से 3-4 बातें उनको जो है बताया गया जाते हैं कि किसी भी तरह से पुलिस को पूरे चुनाव में जाते हैं अपना निष्पक्ष भूमिका में रहना है, किसी भी रूप में जो वाहनों का आवागमन है इसके अलावा ट्रैफिक है उसको अनावश्यक किसी रूप में जाते हैं डिस्टर्ब नहीं करना है, सुचारू रूप से उसको चलने देना है। और इसके साथ साथ चुनाव के दिन जाते हैं दुकानें जो स्वेच्छा से लोग खोलना चाहते हैं जाते हैं उनमें किसी भी रूप में जाते हैं कोई जो है व्यवधान ना होने दें। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि हर जो बूथों पर ड्यूटी लगाई गई है जाते हैं पुलिस बल वहाँ पर जो है पर्याप्त लगाया गया है, हर बूथ पर कम से कम हमारे 2 सशस्त्र आरक्षी लगाए गए हैं, काफ़ी संख्या में जाते हैं जो है ये हमारे CRPF के लोग भी कई बूथों पर लगाए गए हैं। इस तरह व्यापक पुलिस बल की व्यवस्था जनपद गोरखपुर के साथ साथ महाराजगंज में जो हमारे 31 बैरियर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बैरियर हैं उनको और मजबूत कर दिया गया है, उस पर आज शाम से ही 5 बजे से ही जितने वाहन का आवागमन होगा उनकी जो है सघन चेकिंग की जाएगी। इसके साथ कुशीनगर और देवरिया का जो हमारा बिहार बॉर्डर है उसको भी जो है 5 बजे से ही सील करके जाते हैं जो है वाहनों की चेकिंग कर दी जाएगी, किसी भी रूप में हम वहाँ पर जो बाहरी व्यक्ति लोग जो है आए हुए हैं उनको भी अपना होगा कि 5 बजे के बाद इन जनपदों को जाते अपना जो है वो अपना छोड़ दें। बॉर्डर सील करने की व्यवस्था की गई है? हाँ, उसी क्रम में मेरा बताना है कि जो है चूँकि एक लंबा 84 किलोमीटर का जाता है हमारा नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर 31 बैरियर पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जहाँ पर हमारे स्थानीय पुलिस के साथ साथ SSB के जवान एवं अन पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वहाँ पर लगाई गई है और 24/7 कहते हैं लगातार 5 बजे से जो है वहाँ पर चेकिंग जो है प्रारंभ की जा रही है। इसके अलावा जो हमारा बिहार के साथ बॉर्डर है जिसमें हमारा देवरिया कुशीनगर जनपद है उन जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से जाते हैं संपर्क करके जाते हैं, वहाँ पर भी पर्याप्त संख्या में जो है हमारे बैरियर लगाए गए हैं, अब वहाँ पर भी जो है सघन चेकिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। सर 35 लाख करीब मतदाता हैं तो मतदाताओं से कुछ कहना चाहेंगे? मेरा यही सभी से अनुरोध है जाते हैं कि मतदान में सभी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं उत्साह से इसमें शामिल हों और अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करें।